भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज का समापन टीम इंडिया की जीत के साथ हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से वनडे सीरीज अपने नाम की है। और अब सबकी निगाहें हैं T20 सीरीज पर, जिसका पहला मुकाबला 4 दिसंबर को कैनबरा के मैदान में होगा और दोनों ही टीमें मैच जीतने के लिए पूरा दमखम लगाएंगी। तो ऐसे में विराट कोहली 11 खिलाड़ियों के साथ T20 मुकाबले में उतरेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्या होगी टीम इंडिया की पहले T20 मैच में प्लेइंग 11। ओपनिंग की बात करें तो शिखर धवन और KL राहुल ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि जिस तरह से KL राहुल ने IPL में धमाल मचाया उसे देखते हुए उनसे काफी उम्मीदें हैं। फर्स्ट डाउन की बात करें तो कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मिडिल ऑर्डर पर बल्लेबाजी कौन करेगा, चलिए आपको बताते हैं। चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, उसके बाद पांचवे नंबर पर मनीष पांडे, छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में 92 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया वो मुकाबला जीत पाई। ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा, जिन्होंने हार्दिक पांडे के साथ मिलकर आखिरी वनडे मुकाबले में शानदार पारी खेली थी। स्पिनर की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर टीम का हिस्सा बन सकते हैं, हालांकि दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल भी हैं। देखना होगा इन दोनों में से विराट कोहली किस स्पिनर के साथ मैदान में उतरते हैं। फास्ट गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और दीपक चहर, इन तीन पेसर खिलाड़ियों के साथ विराट कोहली मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में ये होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। देखना होगा कि विराट कोहली और उनकी टीम पहले T20 मैच में कैसा खेल दिखाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।